हेलो दोस्तों, बात करते हैं 3i इंफोटेक की। आज देखिए 5% के आसपास की बड़ी अपमूव इस स्टॉक ने दिखाई है एंड इसी अपमूव की हम पिछले दिनों भी बात कर रहे थे। आप देखिए लगातार इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहां पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने मिस कर दिया है स्टॉक को, क्या यहां पर बाय करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है या नहीं, और कितना बाय करना है और कितना टारगेट आप इसमें करके चल सकते हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात अगर 3i इंफोटेक की करें तो यार देखो 5% के आसपास की रैली आई और 20 मिलियन के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, 20 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुए, बहुत भारी भरकम वॉल्यूम है। और एक साल में जो भी लोग एक साल रुके हैं इस स्टॉक में, उन लोगों का पैसा 373% बढ़ चुका है, 373% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक में आपको ओवरऑल मिला है। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई देता है, हालांकि बाजार काफी डल रहा था हमारा, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर खरीदारी काफी बढ़िया हुई है और जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोअर साइड से बाइंग हुई है, मैं चार्ट की भी बात करूंगा, बट यहाँ पर लोअर साइड से बहुत अच्छी बाइंग इस स्टॉक में आई है। बात करेंगे यहाँ पर पहले डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज हमारा काफी बढ़िया है, यहाँ पर इस स्टॉक में 61% के आसपास की डिलीवरी है। और जब भी स्टॉक में बढ़िया डिलीवरी होती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी भी तेजी बढ़ने की पूरी उम्मीद है और यहाँ पर अच्छा खासा एक माहौल बन रहा है जहां पर स्टॉक तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी और तेजी इसमें आने वाली बाकी है, ठीक है, और यही एक बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पे बाय कॉल जरूर देना चाहूंगा अपनी तरफ से, बट आपको लास्ट कॉल आपका होना चाहिए बाय करना है या नहीं करना है। बट हाँ, जिस तरह की तेजी है, जिस तरह का मोमेंटम सेट हुआ है स्टॉक में और जिस तरह के सेक्टर में काम करता है 3i इंफोटेक, वो सेक्टर बहुत अच्छा है, उस सेक्टर में तेजी बहुत अच्छी हो रही है और वही एक वजह है कि यहाँ पर लगातार अपर साइड में स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल स्टॉक के ठीक ठाक है हमारी, टेक्निकली अगर टेक्निकल्स की बात करें तो चार्ट पर लेकर चलूंगा मैं उससे पहले, बट उससे पहले आप देखिए यहाँ पर कि स्टॉक में कौन सा एक फैक्टर है जिसके ऊपर आपको वॉच करना है अगर आप बाय करते हो या फिर अगर आप होल्ड करके रखते हो और प्रॉफिट में हो तो भी, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाजार, हमारा बाजार में थोड़ी सी नजर रखनी है आपको कि बाजार किस तरफ से मूव कर रहा है। आज बाजार में काफी डल मूवमेंट बना रहा है और यही एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से स्टॉक में 5% के आसपास की तेजी हालांकि देखी गई है, बट वो तेजी और भी अच्छी हो सकती थी अगर बाजार इतना डल नहीं होता हमारा, तो एटलीस्ट 8-9% की रैली यहाँ पर आने वाली थी, बट वो बाजार इतना ज्यादा डल था, बाजार में इतना ज्यादा डल मूवमेंट बन रहा था। आप देखो निफ्टी 50 में 15115 की कल क्लोजिंग थी एंड 15165 की आज क्लोजिंग है, तो कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई है। बट जो एक अच्छी खबर है वो ये कि FIIs ने दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दी है बाजार में, और जब भी FIIs ने भारी भरकम बाइंग करेंगे तो वहां पर बाजार हमारा तेजी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कल के बाजार में यानी 9 मार्च के बाजार में 2800 करोड़ की बाइंग FIIs ने की थी, NDIIs की बात करें तो 1250 करोड़ की बाइंग इन लोगों ने भी की थी। यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बाजार कल इतना ज्यादा उछला था। आज का डेटा आने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फंडामेंटल्स में अच्छा है और टेक्निकल्स की भी बात करेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पर बाजार में भी एक सुधार होता हुआ दिखाई देता है। तो यही एक अच्छा समय होता है जब स्टॉक में बाइंग करके पैसा बनाया जा सकता है, बट बाजार में थोड़ी सी नजर रखनी है आपने कि वोलेटिलिटी किस प्रकार की है। दूसरा जो फैक्टर है आप देखिए यहाँ पर मैग्डी की बात करें तो मैग्डी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी बेहतरीन है। RSI की बात करें 67 का RSI है हमारा, तो टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल्स वाइज भी देखिए अगर हम 3i इंफोटेक को तो काफी बढ़िया स्टॉक हमारा दिखाई देता है। एक जो चीज यहाँ पर जो नेगेटिव जोन में जा चुकी है इस समय पर, वो है हमारा जो एक स्टॉक है, स्टॉक में अपर साइड की रैली है और वो बोलिंजर बैंड के आउट ऑफ बोलिंजर बैंड की रैली आज हुई है, और जब भी बोलिंजर बैंड के आउट जाएगा हमारी रैली तो वहां पर थोड़ा सा करेक्शन का जोन आने वाले बाजार में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आउट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोलिंजर बैंड और इसके ऊपर की रैली हुई है हमारे, जब भी इस तरह की रैली होती है तो वहां पर थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता है, बट गिरावट अच्छी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाय नहीं किया था। तो कुछ लेवल्स हैं आपके लिए, 7.60 रुपए का पहला लेवल है हमारा जो आपको आने वाले बाजार में वॉच करना है, और 8.10 रुपए का हमारा सेकंड लेवल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गिरावट में ही होगा बाजार हमारा, बाजार अगर पॉजिटिव जाता है तो 3i इंफोटेक हमारा दोबारा से भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मेरी बाय कॉल है एंड अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी होल्ड करके रखो। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना। हमारे साथ कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बोलो, हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।